क्या यूपी में जल्द होने वाला है महागठबंधन का ऐलान? क्या बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन पर बात बन गई है? 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं। बीजेपी को घेरने के लिए एकजुट होने की विपक्ष की कोशिशें भी अब रंग लाने लगी हैं। खबर है कि आगामी आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है और इसका जल्द ही ऐलान भी कर दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी के बीच मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि सीट बंटवारे पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो सबसे ज्यादा सीटें मायावती की पार्टी बीएसपी को ही मिल सकती हैं। खबर के मुताबिक बीएसपी को जहां 40 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं एसपी को 30 और कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती हैं। आरएलडी की सीटें एसपी के कोटे में ही होगी। हालांकि सीटों का ये फॉर्मूला अभी अंतिम नहीं है। सियासी गलियारों में हमेशा से एक बात कही जाती रही है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। सीटों के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले सूबे की 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि दो सीटें उसके सहयोगियों के खाते में गई थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 2 और एसपी को 5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि मायावती की बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। इतना ही नहीं, यूपी समेत तमाम राज्यों में कमोबेश यही हालात रहे और विपक्ष पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया। लेकिन लगता है कि अब विपक्ष को ये एहसास हो गया है कि वो अपने दम पर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि प्रदेश की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में एसपी बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को करारी शिकस्त दी, और विपक्ष अब अपना ये फॉर्मूला 2019 में भी दोहराना चाहता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यूपी में बीजेपी के खिलाफ बने महागठबंधन का औपचारिक ऐलान कब तक होता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।